भूतों का होना या ना होना हमेशा से एक सवाल रहा है। यह सच है कि हमने उनके अस्तित्व को हमेशा नकारा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। फिल्मों की बात छोड़ दे तो असल जीवन में कई ऐसी जगह हैं जहां भूत प्रेत होने को लेकर बात होती रही है। ये देश की 20 ऐसी जगह है जहां कहानियों के अनुसार भूतों का निवास है, या सीधे तौर पर कहें तो ये ऐसी जगह है जहां जाने से पहले आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द क्वाल क्रिएशन में। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को यार एक लाइक कर देना। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दमस बीच। किसी समय दमस बीच जलती कब्रों का ठिकाना था। कहा जाता है कि आज भी सुबह की सैर के लिए आने वाले लोगों को कई बार यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। नंबर 2, अग्रेसन की बाउली। दिल्ली में कनॉट प्लेस के नजदीक इस बाउली का निर्माण 14वीं सदी में महाराजा अग्रसेन ने करवाया था। यह बाउली अब सूखी है, लेकिन कहा जाता है कि किसी समय इस बाउली में काला पानी भरा होता था जो लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या करने के लिए उकसाता था। नंबर 3, जमली कमली मस्जिद। मैरौली प्रातत्व परिसर में स्थित इस मस्जिद में जमली कमली नाम के दो सूफी संतों की कब्र है। लोगों ने कई बार देर रात यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने की शिकायत की है। नंबर 4, ताज होटल। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि होटल को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट ने होटल के अंदर ही जान दे दी थी, क्योंकि होटल उसके डिजाइन के अनुरूप नहीं बना था। लोगों ने कई बार शिकायत की है कि होटल के कॉरिडोर में आज भी उस आर्किटेक्ट की रूह भटकती है। नंबर 5, लांबी धेर माइन। मसूरी के भारी इलाके में स्थित इस माइन के साथ 1990 के दशक में एक अप्रिय घटना घटी। एक हादसे में इसमें काम कर रहे 50,000 से ज्यादा मजदूरों की जान चली गई। तब से ये माइन बदहाल है और इसका दृश्य काफी भयावह है। नंबर 6, ग्रैंड पैराडी टावर्स। ये मुंबई की सबसे मशहूर भूतिया जगह है। माना जाता है कि यहाँ कई लोगों ने आत्महत्या की है। नंबर 7, डिसूजा चौल। महिम इलाके में स्थित इस चौल के बीच में एक कुआं है। कहा जाता है कि एक बार एक औरत कुएं से पानी लेने गई थी, लेकिन हादसे में कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई। तब से लोग इस कुएं के आसपास जाने से कतराते हैं। नंबर 8, सुरंग 33। इस सुरंग के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक अंग्रेज इंजीनियर की रूह भटकती है, हालांकि इस रूह को फ्रेंडली माना जाता है। नंबर 9, लोथियन कब्रिस्तान। यह कब्रिस्तान 200 साल से अधिक पुरानी है। 1857 के विद्रोह के दौरान इसमें कई लोगों की कब्र बनाई गई है। माना जाता है कि इसमें एक अंग्रेज सैनिक सर निकोलस की रूह भटकती है जो एक भारतीय महिला से प्रेम करता था। नंबर 10, शनि वरवदा फोर्ट। इस फोर्ट में एक 13 साल के राजकुमार को क्रूरता से मारे जाने की कहानी खूब प्रचलित है। कहा जाता है कि देर रात और खासकर पूर्णिमा की रात को यहाँ उस छोटे राजकुमार की सिसकियां और आवाज सुनाई देती है। नंबर 11, सवॉय होटल। वर्ष 1910 में इस होटल में एक महिला की विचित्र तरीके से मौत हो गई थी। माना जाता है कि तब से उसकी आत्मा इस होटल में अपने गुनाहगार की तलाश कर रही है। नंबर 12, रामोजी फिल्म सिटी। इस फिल्म सिटी का निर्माण उस जगह पर हुआ है जहाँ इतिहास में कभी खतरनाक युद्ध हुआ था। इस युद्ध भूमि में कई लाशें गिरी थी। कई बार इस फिल्म सिटी में अचंभित कर देने वाली अप्रिय घटनाओं की शिकायत की गई है। नंबर 13, मालचा महल। इस महल में अवध घराने की बेगम विलायत महल रहती थी। उन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि इस महल में उनकी आत्मा भटकती है। नंबर 14, जीपी ब्लॉक। यूपी के मेरठ में जीपी ब्लॉक स्थित इस घर को कई लड़के लड़कियों के भूत का निवास स्थल बताया जाता है। नंबर 15, फिरोज शाह कोटला। यहाँ कई लोगों ने आत्महत्या की है। लोगों का कहना है कि इस स्थान पर भूतों का निवास है। नंबर 16, डाउ हिल। कुर्सियांग में स्थित इस पहाड़ी पर घने जंगलों में जाने से लोग कतराते हैं। इस जंगल में कई लोगों ने आत्महत्या की है। जंगल में आसपास हड्डियां बिखरी पड़ी रहती हैं। इस कारण भी लोगों के लिए ये जंगल डराने वाला है। नंबर 17, दिल्ली कैंट।
इस जगह की जो कहानी सबसे ज्यादा फेमस है वो ये है कि यहाँ से गुजरने वाले राहगीर से उजले कपड़ों वाली एक महिला लिफ्ट मांगती है। यदि आप अपनी गाड़ी नहीं रोकते हैं तो वो औरत गाड़ी के साथ दौड़ने लगती है। लोगों का कहना है कि कई बार दौड़ते हुए वह कार की बोनेट पर बैठ जाती है जिस कारण दुर्घटना हो जाती है। नंबर 18। ब्रिज राजभवन पैलेस। इस राजभवन में मेजर बटन नाम का भूत रहता है, हालांकि वह किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। नंबर 19। भानगढ़ फोर्ट। इसका निर्माण 1613 में राजा माधव सिंह के द्वारा किया गया था। निर्माण के बाद ही इसे तबाह कर दिया गया था। कहा जाता है कि इस पर किसी तांत्रिक का शाप था जिस कारण यदि कोई यहाँ शाम के बाद ठहरता है तो उसकी मौत हो जाती है। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी सूर्यास्त के बाद यहाँ ठहरने पर रोक लगा दी है। नंबर 20। राज किरण होटल। इस होटल के एक कमरे को असाधारण गतिविधियों का केंद्र माना गया है। कई बार उस कमरे में ठहरने वाले व्यक्ति को देर रात अकारण टहलते हुए देखा गया है। पूछने पर पता चलता है कि कोई ताकत उससे ऐसा करवाती है। पीड़ित व्यक्ति यह भी कहता है कि उस दौरान उसे अपने पैर पर नीली रोशनी दिखाई देती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में।